तो और भाई लोग क्या हाल चाल है। भाई लोग सुबह का टाइम है, जोमेटो में अपन आ चुके हैं काम पर। सभी को गुड मॉर्निंग। भाई लोग नॉइस की थोड़ी प्रॉब्लम है, मैंने दो तीन जगह वीडियो बनाने की ट्राई किया लेकिन सभी जगह पक्षियों की आवाज़ आ रही है, कहीं रोड की आवाज़ आ रही है, तो नॉइस का थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना भाई क्योंकि अपन जब घर में बनाते हैं, रूम के अंदर बनाते हैं तो नॉइस नहीं आती, लेकिन जब अपन बाहर वीडियो बनाते हैं तो नॉइस आना है तय है, क्योंकि अच्छा सा या तो अच्छा सा माइक होना चाहिए या फिर नॉइस तो भाई आएगी, तो थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। बाकी भाई आज की इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ कि आपको आपका जो आधार कार्ड है उसको पैन कार्ड से कैसे जो है लिंक करना है, क्योंकि भाई आपने भी देखा होगा आपके एरिया में और सभी जो है जोमेटो राइडर को जोमेटो ने एक नोटिफिकेशन डाला है कि अगर आपका आधार कार्ड आपके पैन कार्ड से लिंक नहीं होगा तो आपका जो TDS है 1% कटता था वो 20% कटेगा, यानी कि भाई आपकी जो भी अर्निंग बनेगी उससे सीधा 20% कार्ड लिया जाएगा अगर आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक नहीं होगा तो। और आपको पता ही है भाई जरा सी तो पेमेंट बनती है अपनी, उसमें से 20% कंपनी काट लेगी तो अपने को बचेगा क्या भाई। तो जिन भाइयों ने पहले से आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक कर रखा है तो उनको लिंक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिन भाई ने अभी तक लिंक नहीं कराया है तो वो जो है लिंक कर सकते हैं। और जिन भाई ने लिंक करा लिया है उनको भी मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि कैसे जो आप चेक कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड आपके पैन कार्ड से लिंक है या नहीं। तो भाई लोग ये जो आप लिंक देख रहे हैं इनकम टैक्स वेबसाइट का ब्लू कलर में, ये लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं, यहीं से जो है अपना पैन कार्ड लिंक होगा। अब दूसरे नंबर पर आप जो ऑप्शन देख रहे हैं लिंक पैन कार्ड, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद ये नया पेज जो है ओपन हो जाता है पैन कार्ड लिंक करने के लिए, तो यहाँ पर आपको पैन कार्ड नंबर डालना है ऊपर में, नीचे आधार नंबर डालना है, उसके बाद जो भी आपका आधार कार्ड में नाम है सेम वैसा ही आपको यहाँ पर नाम डालना है तीसरे नंबर में, उसके बाद नीचे फ़ोन नंबर डालना है जिस पर OTP आएगा। तो भाई लोग मैं अपना जो डिटेल है वो भर लेता हूँ। तो देखिए भाई मैंने लगभग मेरी सारी डिटेल जो है फिल कर दी है, पैन नंबर डाल दिया, आधार नंबर डाल दिया, नाम डाल दिया है और फ़ोन नंबर डाल दिया है। उसके बाद नीचे आप लिंक आधार का एक ऑप्शन देख रहे हैं, इस पर आपको जैसे ही आप क्लिक करेंगे अगर आपका आधार कार्ड लिंक नहीं होगा तो आपके फ़ोन नंबर पर OTP जाएगा, और अगर आपका आधार कार्ड लिंक है तो आपका जो है लिखा जाएगा कि आपका आधार कार्ड पहले से लिंक है। तो देखो मैं अभी लिंक आधार पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए प्योर पैन इज ऑलरेडी लिंक टू गिवन आधार, यानी कि मेरा पैन कार्ड जो है पहले से आधार कार्ड से लिंक है। तो भाई लोग इसी तरह से आप जो है लिंक कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड कैसे जो है लिंक करना है।